अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां भारत में तेजी से हैं। इसी के चलते महाराष्ट्र के लातूर में जिला प्रशासन द्वारा बैठक बुलाई गई, जिसमें नगरपालिका, नेहरू युवा केंद्र, आयुष विभाग, ब्रह्मा कुमारीज, पतंजलि योगपीठ, पुलिस विभाग समेत कई संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बी के नंदा, वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका बी के पुण्या शामिल हुए। बैठक में लिए गए फैसलों की महत्वपूर्ण जानकारी जिला अधिकारी पृथ्वीराज ने दी। 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। लातूर जिले में जिला क्रीड़ा संकुल के ग्राउंड में 21 तारीख को हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें आप सभी से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग में आके भाग लें और योग के जो फायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मेंटल बेनिफिट्स हैं, वो सभी फायदे का आप एक एक्सपीरियंस लें। 21 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे जिला क्रीड़ा संकुल में हमने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम आयोजन किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसमें उपस्थित रहें। साथ ही साथ हर तालुका हेडक्वार्टर में इस कार्यक्रम का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो तालुका लेवल पे भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे हर ग्राम पंचायत में हमने आयोजन किया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में योगा दिवस मनाया जाए, तो आप ग्राम पंचायत लेवल पे भी कर सकते हैं। 21 तारीख का ये जो योगा दिवस का सेलिब्रेशन है, ये इस साल खास इसलिए है क्योंकि इस साल भारत का 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और जो इस साल के योगा दिवस का जो थीम है, वो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस संकल्पना को लेके हम योग दिवस को साजरा करने वाले हैं। आप सबसे फिर से यही रिक्वेस्ट है, आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं। हर बार की तरह इस बार भी शारीरिक योगा से पहले राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास कराने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। विश्व शांति के लिए योग चलेगा, उसके पश्चात प्रोटोकॉल योग रहेगा और निःशुल्क योग चलेगा वहाँ पर। इसलिए शहरवासी सर्व भाई बहने इस योग का अच्छी तरह से लाभ लेंगे, उमंग उत्साह अपने अंदर भरेंगे। ऐसे में सर्व के प्रति विश्वास रखती हूँ। ओम शांति।